जलपल्ली बड़ा तालाब है ये जलपल्ली का, उस तालाब में आज फिर एक आदमी ये डूब के मर गया, बल्कि इतला मिली तो आकर देखा मैं। विद सिटी चटलभस की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी चटलभस प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन कुट्टा, हैदराबाद। आज बतारीख 20 सितंबर को फिर एक मरतबा जलपल्ली तालाब में एक नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई। इस नामालूम शख्स की नाश जो के पानी पर तैर रही थी, मुकामी लोगों ने नाश को देखकर फौरी तौर पर इस बात की इतला मुतालिका वार्ड नंबर 21 नुमाइंदा कौंसलर शेख अफजल को दी। शेख अफजल ने फौरी तौर पर इतला पाते ही मौके पर पहुँच कर मुतालिका पहाड़ी शरीफ पुलिस को भी वहाँ पर तलब कर लिया। पुलिस के साथ जलपल्ली तालाब के पास तमाम जिम्मेदारान आए और पुलिस ने वहाँ पर बॉडी को तालाब से निकालते हुए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया। मीडिया से बात करते हुए वार्ड नंबर 21 के नुमाइंदा काउंसलर शेख अफजल ने आवाम को एक बेहतरीन पैगाम देते हुए कहा कि वो अपने बच्चों की हर सरगर्मी पर कड़ी नज़र रखे, क्योंकि हर आए दिन जलपल्ली तालाब में मछली पकड़ने के दौरान, सेल्फीज लेने के दौरान या फिर सैर व तफरी के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गरखाब हो जाने से कई सारे अफराद की अमवात हो रही है। इन्होंने बताया कि सेल्फी के बहाने तालाब के पास आकर अपनी जानें कई सारे अफराद गंवा रहे हैं, तो कई सारे लोग यहां पर ऐसे ही सैर व तफरी के लिए आते हुए खेल कूद के दौरान गिरकर यहां पर कई सारे लोग अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं। मुकामी लोग नहीं आते क्योंकि मुकामी लोगों को पता है कि जलपल्ली तालाब बहुत ही ज़्यादा गहरा है और यहाँ पर आना किसी ख़तरे से खाली नहीं। मीडिया से बात करते हुए शेख अफजल ने आवाम से गुजारिश की कि वो इस तालाब को ना आए। इस मौके पर बिस्मिल्लाह कॉलोनी के एरिया प्रेसिडेंट शेख गौस और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे नाज़रीन के 8 दिन कबल भी जलपल्ली तालाब में एक शख्स जो कि अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और गरखाब हो जाने से उसकी भी मौत वाक़ई हो गई थी। पेश है रिपोर्टर फारूक खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज बड़ी अफसोस की बात है, जलपल्ली म्यूनसिपल और जलपल्ली बड़ा तालाब है ये जलपल्ली का, उस तालाब में आज फिर एक आदमी ये डूब के मर गया, बल्कि इतला मिली तो आकर देखा मैं। ये मीडिया के ज़रिए मैं आप लोगों को सबसे गुजारिश कर रहा हूँ। मैं जलपल्ली म्यूनसिपल 21 नंबर वार्ड नुमाइंदा काउंसलर शेख अफजल बात कर रहा हूँ। ये तालाब बहुत गहरा है और यहाँ के लोकल के लोगों को तालाब के बारे में मालूम है कि कहाँ पर गहराई है और कहाँ अच्छा उथल है, उन लोग का नहीं है। ये अदर जैसे कि ओट्टापल्ली और सिटी से जितने भी आने वाले आ रहे हैं यहाँ पर, उनको गहराई तालाब के बारे में नहीं मालूम। इसमें ऐसे हादसा हो जा रहे, इनके बच्चे भी, नौजवान बच्चे आके यहाँ पर सेल्फी बोल के यहाँ आकर फोटो लेने के चक्कर में भी जाके डूब जा रहे हैं। बड़ा है मेहरबानी आप लोग न्यूज़ के ज़रिए से आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके बच्चों को इधर आने से तहखीर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी है और इनके घर वालों को भी बहुत परेशान है। इन्हों आके यहाँ पर ऑफ हो जा रहे हैं, मगर उनके बच्चे, उनके घर वाले पूरे परेशान होते और इनके इन सब से गुजारिश कर रहा हूँ प्रेस वालों की तरफ से, और यहाँ पर भी पुलिस वाले भी आ रहे हैं, बार बार आकर राउंडिंग मार रहे हैं। राउंडिंग मारने के बावजूद भी फिर इधर से हका ले तो वो साइड में जाके बैठना, और जिद्दम जिद्दी पे आ रहे हैं मगर इनकी जान से चले जा रहे हैं। आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि तालाब के पास वही अपन मछली ख़रीदना है तो 150-200 रुपये डाले तो मिल जाती, मगर इस शौक़ में, शिकारी के शौक़ में आकर जान गंवा दे रहे। आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ के बच्चे रहते, अब इनके भी परसों भी हसन नगर में कोई शख्स आए थे 5 दोस्त मिल के, वैसे ही उन्होंने भी ऑफ हो गए इसमें तालाब में गिर के। और आज भी देखो फिर एक नए कोई हैं, अभी नामालूम शख्स है, उनका भी पूरा बायोडाटा नहीं मालूम, मगर ऐसे हादसे बार बार हो रहे जलपल्ली तालाब में। जलपल्ली तालाब बहुत बड़ा है और डीप है ये, इसके लिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ ये तमाम हैदराबाद के आजू बाजू के लोग यहाँ आकर हर 4 दिन में ऐसे
हादसे हो जा रहे हैं, शिकार हो जा रहे हैं, इसलिए मैं गुजारिश आप लोगों से कर रहा हूँ। और यहाँ के पुलिस वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कॉर्पोरेट कर रहे हैं, बार बार वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बावजूद भी आ रहे हैं। और पुलिस वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा शख्सियत करिए, यहाँ पर कोई भी आकर मच्छी नहीं पकड़े सरका, इन लोगों को पूरों को तयखुन दीजिए। हमारे माँ बाप को, जो बच्चों के माँ बाप को, मैं एक आप लोग मीडिया के ज़रिए एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। 200 की मच्छी है ये, मगर ये जान बहुत बड़ी कीमती है, इस जान को गवा दे रहे इनके साथ, इनके घर वालों को और इनके बच्चों को यतीम कर दे रहे। और बच्चे भी, माँ बाप मेहनत करके बच्चे बड़े करते, बच्चे भी वो दोस्तानों के चक्कर में आकर यहाँ पर उनकी जान गवा दे रहे। ये आप लोगों को मैं मैसेज देने जाना चाह रहा हूँ एक माइनॉरिटी BRS पार्टी प्रेसिडेंट की जानिब से। और जितने भी तालाबों के पास ये हंसते दोस्ताने की तरह जा रहे हैं, इसलिए खुसूसन ख्याल करिए, माँ बाप तयखुन दीजिए, बच्चों को तालाबों के पास नहीं जाना। और ये हमारे यहाँ के अपने जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनसे भी एक गुजारिश कर रहा हूँ, और DC साहब और ACP साहब, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सख्तियत करिए, यहाँ बैठने नहीं दीजिए मछलियाँ पकड़ने के लिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।